हाय गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इतने छोटे से मेकअप पाउच में अपना ए टू जेड सारा मेकअप का सामान फिट कर सकते हो। यकीन नहीं आ रहा, दिखाती हूँ। मेरा सारा मेकअप का सामान इसी छोटू से पाउच में है। लेट मी स्टार्ट विद द बेस फर्स्ट। देखो, ये है मेरा क्यूट सा डर्मा का बेस। बड़े बड़े फाउंडेशन और लिक्विड्स लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बेस लो और इसको लगाने का एप्लीकेटर भी इसी में ही है। पुराने जमाने का स्पंज। हम लोग जब भी शूट करते हैं ना, तो मेकअप दादा इसे ही यूज करते हैं। हल्का सा गीला करके इससे पूरा बेस स्प्रेड कर देते हैं। ये ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर है गाइस। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज अ सेटिंग पाउडर। तो उसके लिए भी जुगाड़ होता है। आप ना अपना कोई सा भी सेटिंग पाउडर एक पफ के अंदर डाल के रख लो और एक टिश्यू में उसको बंद करके अपने छोटे से पाउच में रख लो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज आई मेकअप। तो आई मेकअप और साथ में ब्लश के लिए मेरे पास है ये डुअल पैलेट। अब देखो ये कितना छोटू सा है ना। इसके अंदर ये वाली साइड जो है, इसे आप ब्लश की तरह या फिर आई शेडो की तरह यूज कर सकते हो। और ये इसके अंदर हाइलाइटर है। अमेजिंग है ना। आई शेडो लगाने के बाद बारी आती है आई लाइनर लगाने की। मुझे मामा अर्थ का ये न्यूली लॉन्च छोटू सी पैकिंग वाला आई लाइनर बहुत ही अच्छा और कॉम्पैक्ट लगा। एंड देन यू ऑब्वियसली हैव टू पुट मस्कारा। अब मस्कारा जो है वो आप अपने पसंद का रख सकते हो। मुझे तो मेबेलिन का बहुत पसंद है, सो दिस इज द वन। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉन्टूरिंग पैलेट। यस, इतने छोटे से पाउच में मैंने कॉन्टूरिंग का भी इंतजाम किया हुआ है गाइज। ये देखो, ये के ब्यूटी का कॉन्टूर पैलेट है जिसमें तीन शेड्स हैं। इनफैक्ट आप इस वाले शेड को ना एज आई शेडो भी यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ब्राउन कलर देता है, ऑब्वियसली कॉन्टूरिंग के लिए तो बढ़िया है ही। नेक्स्ट इज लिप्स। अब लिप्स के लिए मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि मुझे शुगर की ये वाली लिप लाइनिंग पेंसिल कितनी पसंद है। ये टू इन वन चीज है, यू नो, ये आप लिप लाइनिंग के लिए और लिपस्टिक दोनों के लिए यूज कर सकते हो। और मामा अर्थ के जो नए लिपस्टिक्स है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद है। दे आर स्मज प्रूफ एंड वेरी वेरी क्रीमी एंड स्मूथ। मेरे इस पाउच में एक लास्ट चीज मैंने और डाल रखी है और वो है ब्लश लगाने के लिए ब्रश। ये देखो, ये मैंने बहुत सालों पहले खरीदा था ट्रैवलिंग के लिए, बट इट इज अमेजिंग बिकॉज ये बहुत ही कम जगह लेता है। आप चाहो तो आप अपना ब्लश उंगलियों से भी लगा सकते हो। ये सारा सामान इसी पाउच में आता है, ठीक है। मैं आपको वापस से डाल के दिखाती हूँ, तब आपको यकीन होगा कि ये सब इसी में से निकला है। ये देखो, ना देखो, मैंने झूठ नहीं बोला था। मैं इतने छोटे से मेकअप पाउच में भी अपना सारा मेकअप का सामान इकट्ठा रख सकती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये मिनिएचर मेकअप पाउच का आइडिया और मेरा जुगाड़, मुझे नीचे कमेंट से बताना। और अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल।